तो गाइस वर्कआउट हो चुका है, लेकिन आपको एक बात बतानी है अपने दोस्त के बारे में। बहुत बुरा हो गया उसके साथ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर सुनना। तो भाइयों बात ऐसी है कि हाँ सच है वो बात, मेरा दोस्त मतलब जो हम जिम के लड़के होते हैं, मैं मतलब एक भैया ही समझो, हम मेरे से बहुत सीनियर जिम ट्रेनर और मतलब वो प्रोफेशनल एथलीट भी थे। तो वर्कआउट करते करते उनका हार्ट फेल हो गया। वो मतलब 365 दिन सिंगल डिजिट बॉडी फैट अमाउंट पे रहते थे, और मेरे दोस्त का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो पहले यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने क्रॉस चेक करा वहाँ के लड़कों से, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ भाई ये बात सच है, और मतलब बहुत ही अच्छी आर्ट, किसी नेक्स्ट लेवल यार। वो अभी शेरू क्लासिक में कम्पीट करने वाला था, लेकिन मैं तो सुन के खुद ही हैरान हूँ। उसको देख के हम जिम जा रहे थे, कोई बंदा मतलब यार अजीब लगता है कि ऐसा हो गया भाई के साथ, मतलब पूरे इलाके ही दुखा है बहन। जो मेरा तो एक दोस्त घर से ही नहीं निकल रहा, जिम ही नहीं जा रहा है, उसको भी कम्पीट करना है, लेकिन अब उसने छोड़ दिया। उसने बोला कि अब मैं कम्पीट नहीं करूँगा, ऐसे कि मतलब ये हो रहा है फलाना ढिंकाना, और अंधेरा आ रहा गया यार यहाँ पे। रुको भाई आगे बात करो। तो भाई तो कम्पीट करने वाले थे, फिर मेरे को किसी ने बताया कि ओवर मतलब लोड कर रखा था सामान उसने एक्सरसाइज से पहले, बहुत चीज़ें केमिकल वगैरह डाली हुई थी बॉडी के अंदर, जिससे हार्ट फेल हो गया और मतलब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ गया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, और एक्सरसाइज करते करते जिम में हो गया। मैं शक्ल तो दिखा नहीं सकता, बस एक अवेयरनेस के लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ। जो माँ बाप है, जिसके भाई बहन है या कोई भी है भाई, तो अगर आप इतना सब कुछ ले रहे हो तो किसी की गाइडेंस में लेना, तब भी आप एक रिस्क पे ही हो, आपको खुद ही पता है। कितना भी आप ब्लड वर्क करा लो, तो भाई अगर आप प्रोफेशनली हो तभी आप करो, नहीं तो भाई जो अनप्रोफेशनल है सोच रहा है मैं तगड़ा हो जाऊँ लेके, तो भाई बिल्कुल छोड़ दो ये सब चीज़ें। सही में भाई लाइफ से खेलो मत भाई। वो इतना बढ़िया बंदा था, उसको इतनी नॉलेज थी, सोचो वो इतने कॉम्पिटिशन खेल चुका है लड़का, उसके साथ ऐसा हो गया। तो भाई रुको, वेंचर एल लाइट आ रही है, इतना ख्याल रखना, कोई ना उड़ा ले। यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये लो तुम्हारा भाई, तुम्हारी रफ्तार। तो भाई बिल्कुल ही रिस्क मत लो यार किसी भी चीज़ से, एनाबॉलिक से, ये मसल बॉडी हो जाएगी भाई, वो आज नहीं तो कल तो भाई नुकसान देगी। आप कितना भी PCD वगैरह करा लो, अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात, तो मतलब मैं फ़ोटो तो लगा नहीं सकता, उसकी फिजिक की फ़ोटो लगा दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि क्या हुआ है। मतलब हमारा पूरा इलाका ही सन्नाटे में है, उसको हर कोई जानता है, और उसके साथ ऐसा हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। एक एथलीट के साथ ऐसा हो गया जिसको इतना एक्सपीरियंस था हर चीज़ का ना, जिससे हर लोग गुस्सा था इंसान कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। मैं खुद बहन से शांत हो गया हूँ, ना पंप आ रहा है कुछ, मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा यार ये क्या हो गया यार, खुद ही गांड फटी पड़ी है। मैं सोच रहा था मैं कम्पीट कर लूँ, लेकिन मैं सोचा कि भाई नॉर्मली ठीक है यार, फैमिली पहले है, नॉर्मली कमा खा लो भाई, बॉडी से क्या होना है, लड़की पटाने के लिए क्या भाई, किस लिए करानी है, अगर प्रोफेशनली घुसना तभी ठीक है भाई, नहीं तो भाई यार किसी चीज़ों के लिए अगर आप ये सब चीज़ें ले रहे हो तो भाई बिल्कुल ही लेना बंद कर दो ये सब चीज़ें, बहुत नुकसान है यार, मत रिस्क पे लो। जिस माँ बाप का तुम सपना पूरा करना चाह रहे हो, वो माँ बाप बहन तो अपना बेटा ही नहीं देख पाएगा, तो भाई किस बात का सपना ना। तो भाई बॉडी बिल्डिंग में जीतने से कोई सपने पूरे नहीं होते, अगर जब तक आप प्रोफेशनली कुछ करते हुए अगर करो तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप अगर बहन को खाली वही कर रहे हो तो भाई बहुत गलत है, छोड़ दो। अगर किसी का भी पेरेंट्स ये देख रहा है तो भाई प्लीज़ अपने बच्चों को ये सब गाइडेंस ना डाले, नॉर्मल जिम करो, जितना जिम करना है उतना करो, लेकिन भाई इन सब चीज़ों से दूर।